सब तो भूखे मर रहा हूँ। एक तरफ जहां लॉकडाउन के बीच मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी है, वहीं ऐसे में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। दिल्ली से बिहार जाने के लिए साइकिल से निकले प्रवासी मजदूर की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रायबरेली जिले में सोमवार को तेज रफ्तार कार ने हाईवे किनारे खाना खा रहे एक मजदूर को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मजदूर बिहार का रहने वाला है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। वहीं पुलिस ने शव की पहचान करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे वाली गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। दरअसल कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से राजधानी में उन्हें काम नहीं मिल रहा था। 5 दिनों तक साइकिल चलाकर ये लोग लखनऊ पहुंचे थे और रोड डिवाइडर पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। इसी दौरान एक कार आई और उसने मजदूर को टक्कर मार दी। सड़क के पास ही एक पेड़ था, जिससे बाकी मजदूरों की जान तो बच गई, लेकिन एक मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठा। न्यूज़ डेस्क।